गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू किड्स 7 पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ आवर इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी विल रीड अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4 इन योर बुक इंग्लिश हाईलाइट ग्रामर. ओके सो स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है. ठीक है. इन इंग्लिश नाउन्स आर टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. जो इंग्लिश में जो नाउन्स होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन एंड प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. अब देखिएगा यहाँ पर पिक्चर में एक गर्ल है यानी एक लड़की है, वो कह रही है आई हैव ओनली वन पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है. और इधर एक बॉय है वो कह रहा है आई हैव थ्री पेंसिल्स, मेरे पास तीन पेंसिल हैं. व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ यूज्ड फॉर वन इट इज़ सिंगुलर. जब कोई नेमिंग वर्ड जो है वो एक के लिए यूज़ होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर, मीन्स एक वचन. व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन इट इज़ प्लूरल. और वहीं जब कोई नेमिंग वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल, मीन्स बहुवचन. ओके अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे कि आप समझें. इधर है आपका सिंगुलर एंड इधर है आपका प्लूरल, वन एंड मोर देन वन. ठीक है. सिंगुलर का मतलब वन एंड जो प्लूरल होता है उसका मतलब होता है मोर देन वन. देखो अ बैग, एक बैग, और बैग में हमने एस ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया, बैग्स यानी कि बहुत सारे बस्ते. अ डॉग, एक कुत्ता, और डॉग में हमने क्या एस प्लस किया, एस, तो क्या बना, डॉग्स, मीन्स बहुत सारे कुत्ते. अ कार, एक गाड़ी, एंड कार प्लस एस, कार में हमने एस ऐड कर दिया तो क्या बना, कार्स. उसके बाद है अ टी शर्ट, एक टी शर्ट, टी शर्ट प्लस एस, अगर हम टी शर्ट में हमने एस मिला दिया तो क्या बन गया हमारा, टी शर्ट्स. देयरफोर इफ़ वी वॉन्ट टू मेक द वर्ड प्लूरल देन मोस्टली वी हैव टू एड एस टू द वर्ड. अगर हम चाहते हैं कि हम जो है बहुवचन बनाएं तो मोस्टली जो है हम क्या करते हैं, हम उस वर्ड में एस को ऐड कर देते हैं. ठीक है. लेट्स रिवाइज. देखिए पेज नंबर 25 पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, गिव द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज नेमिंग वर्ड्स. अब आपको यहाँ पर कुछ नेमिंग वर्ड दिए हुए हैं, आपको इनकी प्लूरल फॉर्म बनानी है. ओके वन एंड मोर देन वन. अब वन है हमारा, नंबर वन है पैरट, और पैरट में हमने एस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, पैरट्स यानी कि बहुत सारे तोते. कैट, बिल्ली, कैट्स, बिल्लियाँ. बुक, किताब, बुक्स, किताबें. बॉय, लड़का, बॉयज़, लड़के. इरेजर, रबर, और इरेजर्स, बहुत सारी रबर. ठीक है. व्हेन अ नेमिंग वर्ड एंड्स विद ओ एस सी एच देन ई एस इज़ एडिड टू मेक द वर्ड प्लूरल. अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई नेमिंग वर्ड होता है और उसके लास्ट में ओ होता है, एस होता है, सी एच होता है, तो हम उसमें खाली एस नहीं ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे ई और एस, अगर हमको उसको बहुवचन में बनाना है यानी कि उसको प्लूरल बनाना है. ठीक है. देखो बी यू एस, बस अब इसके लास्ट में क्या है, एस, तो हमने इसको अगर चेंज किया, हमने इसको प्लूरल में तो क्या किया, हमने इसमें ई एस ऐड किया. बी यू एस प्लस ई एस, बसेस. मैंगो, देखो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अगर ओ है तो हम उसमें ई एस लगाएंगे, सो मैंगो, मैंगो प्लस ई एस, मैंगोज. टोमेटो, टोमेटो प्लस ई एस, टोमेटोज. बेंच, बेंच प्लस ई एस, बेंचेस. देखिए यहाँ पर जो बस है उसके लास्ट में क्या है, एस. मैंगो और टोमेटो के लास्ट में क्या है, ओ. एंड जो बेंच है उसके लास्ट में क्या है, सी एच. और अगर इन किसी भी वर्ड के लास्ट में ये होते हैं और हमें उस वर्ड को चेंज करना होता है प्लूरल में तो हम क्या उसमें ऐड करते हैं, ई एस. ओके होप यू अंडरस्टैंड वेल. सम नेमिंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल. अब देखिएगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि वो प्लूरल ही होते हैं, मतलब कि उनको हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं होती. जैसे कि देखिएगा आपका है ये स्पेक्टिकल्स, जीन्स, गूगल्स. अब देखिएगा आपने कभी सुना है, आपने मान लीजिए आप मार्केट से जीन्स लाते हो तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं जीन लेके आया हूँ, आप जीन्स ही बोलोगे. आप एक जीन्स लाते हो, आप दो जीन्स लाते हो, बोलेंगे आप क्या, जीन्स. ये तो नहीं कहेंगे आप मैं जीन्स से लेके आया हूँ, या आप उसमें एस ऐड कर देंगे, आप उसको जीन्स ही बोलेंगे, यानी कि उसमें जो है एस जो है वो पहले से ही ऐड है. ऐसे ही स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स. ओके लेट्स रिवाइज. आपका पेज नंबर 27 पर देखिएगा, बी पार्ट, गिव द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स. ठीक है. अब आपको यहाँ पर ऐसे ही जो आपको पीछे बताए हैं रूल्स कि आप कैसे उनको चेंज करेंगे प्लूरल में, आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है. ब्रश, ब्रशेस, पोटैटो, पोटैटोज, बेंच, बेंचेस, वॉच, वॉचेस, हीरो, हीरोज. ओके सो ये था हमारा चैप्टर नंबर
फोर सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें हमने देखा कि हम जो है मोस्टली जब हम किसी भी वर्ड को हम बनाते हैं प्लूरल में चेंज करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं उसमें एस ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उसके रूल भी हैं, अगर किसी नेमिंग वर्ड के लास्ट में ओ होता है, एस होता है, सी एच होता है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं ई एस, अगर हमें उसे प्लूरल में चेंज करना है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।